किसान भाइयों, राम राम। मैं राम कृपा कृषि फार्म में आपका स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आज हमारे यहां हार्वेस्टिंग हो रही है। और हार्वेस्टिंग में हम कैसे फल निकाल रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। हम इस तरह के फलों की तोड़ाई कर रहे हैं। फलों की क्वालिटी भी बढ़िया है, साइज भी बढ़िया है। और इस साल हमारे यहाँ लगभग साल भर से अमरूद की हार्वेस्टिंग होती ही रहती है। हफ्ते में 10 दिन में तोड़ाई कंटिन्यू चल रही है। और अभी हमारे यहाँ बैगिंग भी चल रही है, जो कम से कम 3-4 लाख फलों की बैगिंग है, जो हमने पिछले वीडियो में आपसे बात की थी। और आज हमारे यहाँ 600-700 पेटी अमरूद निकलने की उम्मीद है। इसके बाद अमरूद जो हमने निकाले हुए हैं वह कैसे है, वह भी आपसे साझा करने जा रहे हैं। किसान भाइयों, हमारे यहाँ हार्वेस्टिंग के बाद में ग्रेडिंग का काम चल रहा है। और ग्रेडिंग में हम दो तरह की ग्रेडिंग करते हैं, जिसमें ए नंबर रहता है और बी नंबर रहता है। ए नंबर में हम जो बेहतरीन फल है, जिसकी क्वालिटी बढ़िया है, जिसमें स्क्रैच नहीं रहता, उसको डालते हैं। और बी नंबर में जो स्क्रैच हुआ माल रहता है उसको डालते हैं। और आप हमारे यहाँ देख सकते हैं, हम जो ग्रेडिंग करवा रहे हैं, ग्रेडिंग में हम इस तरह के फलों को रखते हैं। और फलों का जो साइज रहता है वह 350 से 400 ग्राम के लगभग हम हार्वेस्टिंग करते हैं। अगर इससे छोटा साइज रहता है तो हम उसको हार्वेस्टिंग नहीं करते। और किसान भाइयों, जो बी नंबर का माल रहता है, जिसमें ऐसे थोड़े बहुत स्क्रैच रहते हैं, तो हम उसको बी नंबर में डाल देते हैं। और जो तोड़ाई करते वक्त कुछ फलों का साइज छोटा रहता है और उसकी तोड़ाई हो जाती है, या जो टपक जाते हैं, उसको भी जो कड़क फल रहता है, हम उसको बी नंबर में डाल देते हैं। ए नंबर में हम एक ही साइज का माल डालते हैं, जो 350 से 400 ग्राम लगभग रहता है। उससे हमको बाज़ार भाव बहुत बढ़िया मिलते हैं। और ग्रेडिंग के बाद में हम पैकेजिंग का काम करते हैं। पैकेजिंग में हम 10 किलो वाला जो बक्सा है, उसमें ए नंबर का जो माल भरा हुआ है, उसको 10 किलो 500 ग्राम फिक्स करते हैं, क्योंकि 500 ग्राम का हमारा बक्सा है। और जो बी नंबर है वह 20 केजी में डालते हैं।